यार दोस्तों कैसे हो आप लोग। अभी हमने रिसेंटली वन प्लस बर्स सी का रिव्यू किया था। प्राइस 3000 में लॉन्च हुए थे और आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। इवन आपको यहाँ पे ईयर टिप्स मीनस बर्स वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। वहीं पे काफ़ी टाइम पहले ओप्पो एनको W31 लॉन्च हुए थे। जब लॉन्च हुए थे इनकी प्राइस 4000 रुपीज़ थी। अभी इनकी प्राइस भी 3000 रुपये हो रखी है। इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। काइंड ऑफ सेम डिज़ाइन आपको देख सकते हैं, बर्ड्स वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि एक्चुअल में इन दोनों में से, क्योंकि प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, बेस्ट नहीं होता है। एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है वो आपके लिए बेस्ट है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए। आज के वीडियो की बात करता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ कि एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर जहाँ पर गेमिंग, कॉलिंग, बैटरी, कनेक्टिविटी, म्यूजिक जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं, तो सारे सेगमेंट कवर अप करने वाला हूँ। और वैसे जितने भी ये गैजेट्स वगैरह मैं मंगाता हूँ खुद के अपने हार्ड अर्निंग मनी से मैंने मंगाए हैं, परचेस किए हुए हैं, कुछ भी यहाँ पे पेड प्रमोशन, रिव्यूनेट या फिर फेक मार्केटिंग नहीं है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ मैं बता सकता हूँ बिना किसी के चापलूसी किए हुए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पर ऑल को सेट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों के कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन डिफरेंस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओप्पो एनको W31। तो जो बॉक्स के पीछे क्या क्या लिखा गया आपको मैं बता देता हूँ। बताया गया आपको यहाँ पे बाइनोरल ब्लूटूथ ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। एडिशनल आपको यहाँ पे बेस मोड दिया गया है, ड्यूल माइक्रोफोन, नॉइस कैंसिलेशन ड्यूरिंग कॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे, वियरिंग डिटेक्शन है, आप जैसे ही ईयर से बाहर निकालते हो ऑटोमेटिकली सोन ऑन ऑफ हो जाएगा। दोनों के अंदर आपको सेम फंक्शन मिलते हैं। टच कंट्रोल दिया गया, IP54 रेटिंग के साथ आते हैं। एडिशनली बात करता हूँ बैटरी की, तो आपको सिंगल चार्ज में 3.5 आवर्स मतलब 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देते हैं। टोटल मिला के अप टू आपको 15 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा विथ चार्जिंग केस। बैटरी टेस्ट किया गया है वहाँ पे 50% वॉल्यूम पे 3.5 घंटे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा एज पर कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन। ड्राइवर की साइज़ की बात करता हूँ आपको 7mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। बात करते हैं वन प्लस बर्ड सी की, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैसे नंबर नहीं बताया गया, आपको बताया गया इसके अंदर आपको बेस बूस्ट ड्राइवर मिलने वाले हैं। वैसे ड्राइवर की साइज़ की बात करता हूँ 10mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं। एडिशनली 20 आवर्स का बैटरी बैकअप बताया गया है। सिंगल चार्ज में 5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको दे देंगे। बट जो कंडीशन है वो ये थी कि एक्चुअल के अंदर आपको डबल एसी पे 1/3 वॉल्यूम मतलब 33.33% पे अगर आप वॉल्यूम पे सुनते हैं जो कि नॉर्मली कोई नहीं सुनता है तब जाके आपको मैक्सिमम 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। एडिशनली आपको वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट बताया गया है, IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। कंफर्टेबल कूल डिज़ाइन है, सीमलेस कनेक्शन, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगा। चलिए स्पेसिफिकेशन वाइज हम डिफरेंस देख लिया है, बात करते हैं दोनों के फर्स्ट इंप्रेशन की, लुक की एंड डिज़ाइन की। तो पहले हम बात करते हैं ओप्पो एनको W31 की। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे बुरी चीज़ लगी थी वो थी चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी की। डेफिनेटली यहाँ पे टाइप से चार्जिंग पोर्ट दिया गया और डिज़ाइन आपके लिए काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होगा, बट ये जो बिल्ड क्वालिटी है काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक नज़र आता है और लॉन्ग टर्म के साथ वो काफ़ी शिकायत आ सकती है। बट लकीली अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं है, चाहे पे चार्जिंग केस हो चाहे पे बर्ड्स हो। जो बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी दी गई है। इवन आपको जो लुक है आपको एक प्रीमियम टीडर उसका लुक दे के चले जाते हैं। एडिशनली ये जो रीसेट की बटन है इसकी भी प्रॉपर जगह दी गई है, आप डायरेक्टली यहीं से उनको रीसेट कर सकते हैं। आप जैसे 2 सेकंड तक इसको प्रेस रखोगे डायरेक्टली यहाँ से रीसेट हो जाते हैं। वहीं बात करता हूँ वन प्लस बर्ड सी की, तो आपको यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी दी गई है, पीछे आपको यहाँ पे टाइप से चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, बट जो रीसेट की बटन है इसकी पोजीशन मेरे को सही नहीं लगी है। मान लीजिए आपको रीसेट करना है तो आप यहाँ पे ओपन करके रखोगे, देन आपको यहाँ से इसको प्रेस करके 2 सेकंड तक रखना पड़ेगा तब जाके रीसेट होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक पोजीशन सही नहीं है, बट आप काम चला सकते हैं। एक जो शिकायत है वो है इसका डिज़ाइन इतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज़ के अंदर है। आपको मैं दिखाता हूँ साइड बाय साइड, अगर आप जींस में रखने का सोचें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको देगा। वहीं पे ओप्पो एनको W31 आपके लिए ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है। मैं बात करता हूँ बर्ड्स की, तो बर्ड्स का जो लुक है आपको एक डिसेंट लुक दे देंगे, ना मैं इनको बुरा कह रहा हूँ ना मैं इनको अच्छा कह रहा हूँ, बट आपको एक प्रीमियम TWS का लुक देने वाले नहीं है। और आपको मैं साइड बाय साइड ओप्पो एनको W31 और यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स ही दोनों का लुक दिखाता हूँ, आप खुद यहाँ पे जज कर लीजिए आपको कौन सा लुक ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। दोनों के अंदर आपको सिलिकॉन टिप्स देखने को मिल जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ओप्पो एनको W31 आपको एक प्रीमियम लुक दे रहा है, वहीं पे वन प्लस बर्ड्स ही आपको एक नॉर्मल लुक दे के जा रहा है। वैसे दोनों के अंदर आपको टच कंट्रोल मिलते हैं। तो हमने दोनों का लुक देख लिया, बात करते हैं पहनने में कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहली चीज़ यहाँ पे मुझे स्लाइटली एक जो इशू नज़र आया है वो ये है कि एक्चुअल में आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स जी का जो ये वाला पोर्शन है आई थिंक यहाँ पे
थोड़ा सा शार्प है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक मुझे भी सिर्फ 48 आवर्स को यूज़ करते हुए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये वाला पोर्शन ईयर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा बहुत पेन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वन प्लस बर्ड सी को थोड़ा सोचना चाहिए था। डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, R&D पे इतना प्रॉपरली वर्क नहीं किया गया। वहीं पे ओप्पो एनको W31 यहाँ पे कहीं भी आपको एक्स्ट्रा एजेस एक्स्ट्रा शार्पनेस वगैरह देखने को नहीं मिलती है, तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आपको मैं पहन के भी दिखा देता हूँ। आपको मैं राइट के अंदर यहाँ पे वन प्लस बर्ड जी का ये टेलोस पहन के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कंफर्टेबल फील लुक दे देंगे। और ये जो पोर्शन है मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर वाला पोर्शन, थोड़ा सा यहाँ पे अनोइंग रहता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, फर्स्ट टाइम डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्लाइटली आपको इशू आ सकता है। मैं बात करता हूँ ओप्पो एनको W31 की, तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखोगे आपको काइंड ऑफ ईयर फ्रेंडली रहने वाला है और आप देखते हैं इजीली फिट हो जाता है। तो डिज़ाइन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, कंफर्ट के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराएंगे। इन केस आप मान लीजिए हेलमेट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको डेफिनेटली ओप्पो एनको W31 प्रोवाइड कराएंगे कंपेयर टू वन प्लस बर्ड सी। इवन ये हेलमेट के हिसाब से भी इतने सही नहीं रहने वाले, ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी आपको पेन देना स्टार्ट कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड रेंज की। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली वन प्लस बर्ड सी में काफ़ी इशू देखने को मिला था, इवन मुझे यहाँ पे गेमिंग में लैग करते हुए नजर आए थे। जो बात आती है कनेक्टिविटी की, अगर आपके पास वन प्लस फोन नहीं है, थोड़ी आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी या फिर मेरे को जो साउंड डिस्टोर्शन वगैरह है, आप यहाँ पे मान लीजिए 10 फीट की दूरी पे भी है, आप घर के अंदर ऑफिस के अंदर है, तो वहाँ पे आपको इशू देना स्टार्ट कर देंगे। तो कनेक्टिविटी में मुझे काफ़ी इशू आई थी। बात करता हूँ मैं ओप्पो एनको W31 की, तो आप यहाँ पे मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल रही थी। मैं रेंज की बात करता हूँ, 10 से 12 इवन 13 फीट तक भी आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी रेंज प्रोवाइड करा देंगे। और कनेक्टिविटी मुझे आज तक ज़्यादा शिकायत देखने को नहीं मिली है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तो आई थिंक कंट्रोल्स में दोनों को एक टाई दिया गया है। आप इजीली यहाँ पे वन प्लस बर्ड सी का जो ऑप्शन है डबल टैप के थ्रू आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट को भी आप डबल टैप करोगे नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होता है, बट आप ये चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लेफ्ट से प्रीवियस सॉन्ग प्ले कराना तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओपन को W31 की मैं बात करता हूँ, तो डबल टैप में राइट वाले बटन के थ्रू नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होता है। लेफ्ट पर को डबल टैप करोगे तो यहाँ पे अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो बेस मोड एक्टिवेट हो जाता है, अगर म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तो गूगल असिस्टेंट सीरी असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्लाइटली एडवांटेज है कंपेयर टू वन प्लस बर्ड सी के कंट्रोल से। अब बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा होने वाला है। मैंने दोनों के गेमिंग टेस्ट किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है डिटेल रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, बर्ड्स जी और ओप्पो W31 दोनों का गेमिंग टेस्ट पता चल जाएगा। और लेटेंसी की डेफिनेटली आप पे ओप्पो एनको W31 गेमिंग के अंदर वन ऑफ बेस्ट TWS है, जो अंडर 3000 को इतनी कम लेटेंसी प्रोवाइड करा के चले जाते हैं। एंड अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र हैं तो मैं कहूँगा आप बिना सोचे समझे ओप्पो एनको W31 को फॉर गेमिंग पर्पज यूज़ कर सकते हैं। इवन वन प्लस बर्ड्स जी के अंदर मुझे गेमिंग में लैग करता नजर आया, मैंने अभी वीडियो बनाया उसके अंदर आप खुद फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लैग गेमिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेमिंग के हिसाब से सही ऑप्शन आपके लिए होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जिसको कोई डिस्कस नहीं करता है, वो है कॉलिंग। कॉलिंग के अंदर हमेशा आपको मैं लाइव कॉलिंग सैंपल जिसमें इंडो कंडीशन आउटडो कंडीशन इवन जो विंड इफेक्ट होता है जब आप मान लीजिए हवा तेज चल रही होती है बाइक पे स्कूटी पे राइड कर रहे होते हैं वो आपको लाइव दिखाता हूँ। नहीं देखा है रिव्यू वाले वीडियो मिल जाएगा। बाकी तो मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स जी के अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिला था, मान लीजिए जैसे थोड़ी बहुत हवा चलती है या फिर लाइट ट्रैफिक में आगे वाले से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शिकायत आने वाली है, तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं था। इंडो कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करता हूँ ओप्पो एनको W31 की, तो आई थिंक यहाँ पे बिलो 3000 के बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, चाहे पे आप इंडो कंडीशन में बात करो चाहे पे आप आउटडोर कंडीशन में, इवन जो हवा चलती है विंड इफेक्ट वगैरह होता है सब कंडीशन में आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। और आई थिंक बिलो 3000 के अंदर ये अभी तक इकलौता ऐसा TWS है जिसका हमको प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन एज पर प्राइस दिया गया है। तो अगर आपको कॉलिंग के हिसाब से कोई TWS बिलो 3000 चाहिए तो आप डायरेक्टली ओप्पो एनको W31 को रिकमेंड कर सकते हैं। वैसे बेटर होगा आप लाइव कॉलिंग सैंपल देख लीजिएगा, डिटेल रिव्यू की वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो चेक करना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके, आप खुद जज कर सकें। लास्ट बात करते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की, एक्चुअल म्यूजिक में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं वन प्लस बर्ड्स जी से। तो जब वन प्लस बर्ड्स जी की कंडीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये कि एक्चुअल के अंदर नॉन वन प्लस फ़ोन के साथ, मान लीजिए आपके पास सैमसंग है, रियलमी है, रेडमी फ़ोन है, वन प्लस फ़ोन नहीं है, तो मैं कहूँगा आपको यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत बुरी मिलने वाली है। जो सेपरेशन वगैरह होता है प्रॉपर नहीं दिया गया है,
इवन जो ड्राइवर का साइज है 10 mm दिया गया, आपको बेस डेफिनेटली फील होगा, बट अगर आपको बेस मिल रहा है बट म्यूजिक में बैलेंसिंग नहीं मिला, सेपरेशन नहीं मिला, तो मैं कहूँगा जो म्यूजिक के इमोशन वगैरह तो बिल्कुल आप फील नहीं कर पाते, उसको इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो नॉन वन प्लस यूजर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिकायत देखने को मिलेगी। अगर आपके पास वन प्लस फोन है, स्पेसिफिकली वन प्लस सेवन या फिर सेवन सीरीज के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेस विथ बैलेंसिंग प्रोवाइड करके चले जाते हैं। तो आप तभी ये लेने का सोचिएगा जब आपके पास वन प्लस फोन हो। वही बात करता हूँ ओप्पो एनको W31 की, तो ड्राइवर का साइज 7 mm दिया गया है। इवन मैंने यहाँ पे देखा है 6 mm के ड्राइवर्स वाले TWS को काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड करके चले जाते हैं, इवन काफ़ी लाउड म्यूजिक उनका होता है। थोड़ी बहुत हमें शिकायत थी कि इतनी ज़्यादा लाउडनेस में देखने को नहीं मिल रही थी, बट अच्छी चीज़ क्या थी, यहाँ पे बेस मोड दिया गया है। जैसे आप बेस मोड को एक्टिवेट करते हैं, लाइटली बेस को बूस्ट करता है, थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। और वैसे अगर आप नॉर्मल मोड पे इसको म्यूजिक सुनने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर बैलेंसिंग प्रोवाइड करा के चले जाएंगे, क्योंकि जो कंप्लीट म्यूजिक पैकेज होता है वो सिर्फ बेस से नहीं बनता है, उसके लिए आपको प्रॉपर बैलेंसिंग विथ सेपरेशन विथ क्लियरिटी मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर दोनों में से एक को चूज़ करना हो, तो मैं कहूँगा आप ओप्पो एनको W31 को रिकमेंड कीजिए। और यहाँ पे ऐसा कोई नाटक नहीं है कि आपके पास वन प्लस फोन होना चाहिए, आपके पास ओप्पो का फ़ोन होना चाहिए, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ यूज़ कर लीजिए, आपको सबके अंदर एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके चले जाएंगे। तो अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ओप्पो एनको W31 रिकमेंड करूँगा फॉर म्यूजिक पर्पस। अगर आपको लाउडनेस ज़्यादा अच्छी है, अगर आप वन प्लस यूज़र हैं, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे वन प्लस बर्ड्स जी को रिकमेंड कर सकते हैं। ये था आज का वर्ल्ड वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगे एक्चुअल में आपके लिए ओप्पो एनको W31 बेटर है या फिर वन प्लस बर्ड्स जी। दोनों की प्राइस अभी 3000 रुपये हो रखी है। वैसे सबके बेस्ट परचेज प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो भी प्राइस चेंज होती रहती है, जो भी बेस्ट ऑफर है वहाँ पे मैं चेंज करता रहता हूँ, तो प्राइस चेक करना मत भूलेगा। चाहे तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही अगर कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलेगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।